फिर अब नमस्कार, मैं एनजी बोध, एनजी ट्रैकर से भी जाना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैं अपने साथियों के साथ भूटान दर्शन यात्रा पर गया था। मैं अपने भूटान दर्शन यात्रा पर जो मैंने अनुभव अर्जित किए हैं उनको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। भूटान एक दर्शनीय देश है। अभी गत माह नवंबर 2019 में हम लाहौल घाटी के 7 बौद्ध श्रद्धालुओं ने कुल्लू से भूटान एक बेहद सुंदर कभी न भूलने वाली लाजवाब तीर्थयात्रा की है। हमारे इस भूटान दर्शन यात्रा का आयोजन हमारी लाहौल घाटी के एक अति लोकप्रिय युवा पर्यटन उद्यमी विक्रम कटोच और उनके राइजिंग डस्ट टूर एंड ट्रेवल एजेंसी तथा उनके भूटान के दोस्त ने संयुक्त रूप से मिलजुल कर आयोजित किया था। हम लोग भूटान में 5 रात 6 दिन रहे। हमारे आयोजकों ने हमें भूटान में दर्शन यात्रा के दौरान बेहतरीन सेवाएं, सुविधाएं और सहयोग प्रदान किए थे। हमें भूटान में जगह जगह दर्शन करने के लिए एक मिनी 10 सीटर टोयोटा बस प्रदान किए थे और गाइड भी हमें बहुत ही अच्छा दिया, फराटेदार हिंदी अंग्रेजी बोलने वाला, बहुत ही जानकार और भूटान के बारे में सर्वांगीण जानकारी रखने वाला दिया था, अच्छा लड़का था। हम बहुत श्रद्धालु लोग, विशेष करके हम लाहौल घाटी के लोग, जब हम भूटान जाते हैं तो हम केवल दर्शन करने के उद्देश्य से ही जाते हैं। हम बहुत श्रद्धालुओं को भूटान में दर्शन करते वक्त हमें भूटान देवाचन यानी बुद्ध लोक जैसा महसूस होता है, दिखाई देता है, ये हम लोग जानते हैं। नमो बुद्धाय। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं एक परम बुद्धिस्ट होने के साथ साथ एक परम अनुभवी इको ट्रेकर भी हूं। मैं जहां भूटान को धार्मिक रूप से बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, बहुत बड़ा धार्मिक स्थान, बहुत बड़ा पवित्र देश मानता हूं, वहीं मैं इको टूरिज्म की दृष्टि से भूटान को एक बेहद हरियाली युक्त, बेहद प्रदूषण मुक्त, बेहद नहीं बोलूंगा या मैं बिल्कुल प्रदूषण मुक्त, सुंदर, साफ सुथरा, शांत देश मानता हूं। बहुत खूबसूरत देश है हमारे भूटान, जो है एक ऐसा देश है। यहां पर इको टूरिज्म की अपार संसाधन है, लेकिन यह देश जो है इतने अपार संसाधन होने के बावजूद भी बिल्कुल नियंत्रित और कम संख्या में सैलानियों को आमंत्रित करता है, यही इस देश की विशेषता है। यहां पर सड़कें बेहद खूबसूरत है, डबल लेन है, लेकिन यहां कभी भी जाम नहीं लगता है क्योंकि यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है लाजवाब है। अब थिम्पू है भूटान की राजधानी, बहुत बड़ा शहर है और अभी ये शहर अभी फैलता जा रहा है। पारो भी काफी बड़ा शहर है। यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो तो बहुत ही उत्तम है। जो राहगीर हैं, पैदल चलने वाले हैं, उनको रास्ता क्रॉस करने के लिए जो है जगह जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग चिन्हित किए हैं। इन जेब्रा क्रॉसिंग पर जैसे ही पैदल चलने वालों का पहला कदम पड़ता है दोनों तरफ की गाड़ियां स्वतः रुक जाती है। जब तक कि पैदल चलने वाले सारे सड़क क्रॉस नहीं करते हैं कोई भी गाड़ियां नहीं चलती है। ये मैं बहुत हैरान हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंत में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अपने आयोजकों का, विशेष करके अपने विक्रम कटोच का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभी एक बार फिर अगले साल 2020 में अपने साथियों के साथ भूटान दर्शन यात्रा जाऊंगा तो अपने विक्रम कटोच के साथ ही जाऊंगा। मैं अपने विक्रम कटोच का अंत में अपने भूटान दर्शन यात्रा को बेहद यादगार, शानदार और हमेशा अच्छा बनाने के लिए एक हमेशा इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सदैव इनको मैं याद करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमः बुद्धाय।